आजकल जब सुबह सुबह सो के उठता हूँ इतना थका थका लगता है, एंड जैसे ही धीरे धीरे करके रात आती है इतनी एनर्जी भर जाती है बॉडी में कि कुछ पूछने की हद नहीं है। सारे काम करवा लो जो करवाने हैं, लेकिन भाई वो तो सोने का टाइम है ना। रियली मिस द टाइम जब सब कुछ एक्टिव हुआ करता था। मैं रेगुलरली जिम जाता था और पता होता था कि पूरे दिन में क्या क्या किस किस तरीके से करना है, लेकिन अब जो चीज़ हाथ में नहीं है उसको तो चेंज नहीं कर सकते ना। लेकिन काम तो करना है ना, वीडियोज़ बनानी है, और जिस चीज़ को तुम पसंद करते हो उसको आगे तो लेके जाना है, ऐसे ही तो आगे बढ़ना है। अब अमेजोन का हॉल आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, उसमें थोड़ी सी एक्सेसरीज बताई थी जो मुझे पसंद आई थी, लेकिन आज की कहानी की शुरुआत होगी एक नए हॉल से जिसमें मैं नई एक्सेसरीज आपको दिखाऊंगा और काफ़ी अच्छी काफ़ी यूजफुल अलग अलग चीज़ें जो आपके काम आने वाली है। अगेन हमेशा की तरह लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, लेकिन पहले इसे चेंज कर लेते हैं। तो पिछले हॉल में जो एक्सेसरीज गलती से मिस हो गई हूँ वो इस हॉल में नहीं होने वाली, क्योंकि ऐसी कुछ एक्सेसरीज जो मुझे लगता है कि आपके काम आ सकती है रोज़ाना वो मंगवाई है। स्टार्ट करते हैं अमेजोन हॉल से। मेरे कमेंट सेक्शन में ना बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आती है इन ग्लासेस की, लेकिन अब मैंने कुछ नए मंगवाए हैं जो कि इस तरीके के दिखते हैं। ब्रांड का नाम है किलर एक्स, जो कि इसके बॉक्स पे मेंशन्ड है। आपको एक ही क्लॉथ मिलता है साफ करने के लिए, एंड दूसरी चीज़ जो मेरे पास है एंड जिसकी डिमांड अब से आना शुरू हो जाएगी, इस बार लिंक्स मिस मत करना, पिछली बार सारे के सारे आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे जिससे पहले मैंने आपको दिखाया। इट इज़ अ रेक्टेंगल ग्लास ट्रांसपेरेंट। जो ग्लासेस हैं मेरे वो पावर वाले हैं, पावर वाले का यही मतलब है कि मेरा नंबर है आंखों में। एंड हाँ, मैं थोड़ा बहुत अंधा हूँ कहीं ना कहीं, मुझे प्रॉपरली दिखता नहीं है बिना चश्मों के। तो आई बॉट दीज ग्लासेस, मुझे ये बहुत ज़्यादा स्लीक लगे। इनका जो रेक्टेंगल डिज़ाइन है वो छोटा है, जो मेरे पास पुराने वाले थे वो काफ़ी बड़ा था, एंड छोटे फेस पर काफ़ी बड़े जो ग्लासेस होते हैं ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। एंड आई थॉट इन इन्वेस्टिंग इन दीज, एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको ये किस तरीके के लगे हैं। इनकी एक अच्छी बात और है कि वेबसाइट पर जो अमेजोन है वहाँ पर लिखा है कि ये ब्लू कट ग्लासेस हैं। वैसे कंपेयर करा जाए तो इसमें थोड़ा सस्ता मटेरियल का ब्लू कट लगा होगा, अगर आप चाहो तो आफ्टर मार्केट से लगवा सकते हो, वो बिल्कुल आपके ऊपर है। बट स्टिल द फ्रेम इज क्वाइट स्टर्डी, एंड जो आप प्राइस पे कर रहे हो उसमें आपको अच्छा खासा ये मिल रहा है। अब अगली चीज काफी कीमती है क्योंकि उसमें हम अपनी कीमत का सामान रखते हैं, विच इज मनी। सेकंड एक्सेसरी मेरी लिस्ट पे है एक वॉलेट, इसके ब्रांड का नाम है हियरा। वॉलेट इस तरीके का है एंड ये एक बायफोल्ड वॉलेट है। बायफोल्ड का मतलब इसमें दो फोल्ड होती है, ट्राईफोल्ड का मतलब अगर एक और फोल्ड यहाँ पे आती तो हम उसको ट्राईफोल्ड बुलाते। ये चेरी कलर का है एंड आई थिंक एक ऐसा कलर जो थोड़ा सा हटके हो अपने वो नॉर्मल ब्लैक एंड ब्राउन से, दिस कैन बी योर गो टू। एंड ये काफ़ी सस्ते में मिल गया था मुझे और इसके अंदर अच्छा खासा स्पेस है। ऑल्दो मुझे वो सिंगल वाले कार्ड होल्डर होते हैं जिनमें कोई भी फोल्ड वगैरह नहीं होता उनके अंदर रखने की आदत ज़्यादा पड़ गई है, तो प्रॉबेबली थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें वापस डालने का, बट आई थिंक इट्स अ गुड परचेज अगर आप देखना चाहते हो एक वॉलेट जो बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है, स्लिम है एंड छोटा है। इसको अपने आप बड़े वाले वॉलेट से कंपेयर करोगे ना बहुत फ़र्क आएगा। अगेन लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थर्ड आइटम दिखाने से पहले मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जैसे ही मैंने पिछली वीडियो अपलोड कर दी जो कि थी लॉन्ग हेयर केयर के ऊपर, काफ़ी लोगों के कॉमेंट्स आए थे कि भैया ये वाला जो आपने बैंडाना पहना है ये कहाँ से खरीदा। तो सच बताऊँ उस वाले बैंडाना की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी एंड मैंने उसको वापस रिटर्न करवा दिया था, जस्ट बिकॉज वो कॉटन का भी नहीं था सबसे पहली बात, और दूसरी बात कि उसमें जो इलास्टिसिटी थी वो भी कुछ टाइम बाद लूज़ हो जाने वाली थी, वो मुझे दिख रहा था, दैट्स वाई आई रिटर्न देम। बट जिनके लंबे बाल हैं और जो सोच रहे हैं हमें बालों को किस तरीके से टेम करना है, उनके लिए आई हैव गॉट 3 बैंडानास। आई नो मुझे और 80% लोगों को वाइट वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे हम नॉर्मल हैंकर चीफ देखते हैं आप इसको उसकी तरह भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा स्टाइलिश हैंकर चीफ जिसको हम बोलते हैं, या फिर आप इसको सर पे बांधने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो या बैंडाना को बांधने का अलग तरीका है, बट मैंने आपको सिर्फ एक जिस्ट दी है कि ब्लू कलर का इस तरीके का लगेगा। एंड येस आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड सबसे अच्छी बात है कि पॉलिएस्टर नहीं है। कॉटन के लिए आई कैन पे एक्स्ट्रा बट आई विल बी सैटिस्फाइड, ये मुझे पता है। तो इस तरीके का दिखता है एंड इसको स्टाइलिशली आप अलग अलग तरीके से पहन सकते हो एंड रॉक कर सकते हो। नॉट जस्ट अ बैंडाना, इसको आप बहुत तरीकों से पहन सकते हो। अगर कई लोग जैसे मास्क की तरह इसको प्रेफर करते, ऑल्दो ये कोई कोविड की गाइडलाइन नहीं है और ना मैं कोई एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ के लिए, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा जो हैंकरचीफ पहनते हैं बहुत बुरे बुरे किस्म के, जिसमें बहुत गंदे तरीके से दिख रहे होते हैं व्हाइट कलर के, देन यू कैन स्विच टू दीज, दीज आर रियली गुड। अगेन लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। प्लान थोड़ा सा चेंज है, मुझे पसंद आ गया, मैंने अब इसको पहन लिया है। फोर्थ आइटम जो मेरे पास आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है, एंड ये एक बबल रैप के अंदर हुई हुई क्या चीज़ आई है वो देखते हैं, है तो एक्सेसरी ही, हटा लेंगे। दिस इज अ खजाना। इस खजाने में लेकिन आप क्या रखोगे, क्या अपने ज्वेलरी रखोगे, क्या अपने बेशकीमती कागजात रखोगे, नहीं, इसमें आप सिंपली
सॉरी मैं थोड़ा ना एक्साइटमेंट में इधर उधर हो गया. तो दिस इज अ रियली गुड क्वालिटी वॉच बॉक्स. मुझे सच में लगा नहीं था कि इतनी अच्छी क्वालिटी होगी फॉर द प्राइस दैट आई पेड. इसमें और भी ऑप्शन है, ऊपर ग्लास वाला भी था अगर आप चाहते हो कि आपकी वॉचेस यहाँ से दिखे. एंड ये तो आई थिंक सबको पता ही होगा क्या होता है, दिस इज अ वॉच कुशन. इसके ऊपर अगर आप वॉच को लगाओगे उसके बाद इसके अंदर डालोगे, दे लुक रियली गुड एंड ऑल ब्लैक. आई मीन इतना बढ़िया मुझे तो नहीं लगा था कि यार सच में होगा. मेरे जैसा कोई बंदा है जिसकी वॉचेज हर जगह फैली रहती है, उसको नहीं पता उसके साथ क्या करना है, गेट दिस थिंग, गेट दिस ब्यूटी राइट अवे ऑन योर डोर स्टेप, क्योंकि ये बहुत नेसेसरी है. इसके अंदर बॉक्स में मतलब अलग से ही दिखेंगी, वो एक सजावट के लिए, एक डेकोरेशन के लिए अलग चीज़ हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप इनको अपनी इस बॉक्स को खोलोगे और अपनी वॉचेज को देखोगे ना, मज़ा आ जाएगा. इसका सिंपल यहाँ पर एक लॉक सा है जिसकी वजह से ये खुल जाती है और बंद हो जाती है. एंड इसके बाद खोल के आपको अंदर इस तरीके का कुछ दिखेगा. राइट हेयर आपकी सारी घड़ियाँ. अभी इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 घड़ियाँ का स्लॉट है. मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा है बट स्टिल कोई नहीं, जितनी आ जाएंगी इसमें बाकी सब मैं हटा दूंगा. एंड इसके अंदर भी कुछ हम डाल सकते हैं, एक पॉकेट यहाँ भी आपको दे रखी है. अगेन लिंक इन डिस्क्रिप्शन अगर आप खरीदना चाहते हो. आई एम रियली हैप्पी विद दिस परचेज. अदरवे कॉमेंट में ना इस लुक को 10 में से रेट जरूर करना. बैंडाना, एक ईयर रिंग एंड दिस होल बियर्ड थिंग विद द हेयर. नेक्स्ट आइटम जो मेरे हॉल में है वो है एक ऑर्थोपेडिक जेल. एंड ये होती है इनसोल्स. मेनली क्या काम होता है वो बताता हूँ. तो ये जो दो इनसोल्स आपको देखने को मिल रही है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है. मेरे पास जो यूजुअली पहले मैं यूज़ करता था वो डीकैथलॉन करके एक ब्रांड आता है, तो उनकी मेमरी फोम वाली होती है, मेमरी फोम में. लेकिन गर्मियों में अगर आप उसको पहनो तो थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी लगती है. आई थॉट ऑफ इन्वेस्टिंग इन समथिंग मोर ड्यूरेबल. एंड इसके नीचे आपको हील दिखती है. वैसे तो कई लोग इसको एलिवेशन शूज़ की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा जो मेन है वो है कि दर्द ना हो पैरों में, इसलिए मैं इसको यूज़ करूँगा. यहाँ पे जो लाइनिंग है काफ़ी सॉफ्ट है, वेलवेटी टच टाइप की आती है, ऑल्दो आई डोंट नो द एग्जैक्ट मटेरियल. इसको बस ये जो है इसका पॉलिथीन ये हटाना है, अपने साइज के हिसाब से इसको काट लेना है. फॉर एग्जांपल आप साइज़ UK 9 पहनते, UK 10 पहनते हैं, उस हिसाब से इसको काट के शू के अंदर डाल देना एंड यू आर गुड टू गो. आई थिंक दीज आर गोना बी माई गो टू सोल्स. जो पुराने वाली होती है शूज़ में, मैं उनको यूजुअली निकाल के अपनी दूसरी वाली डाल देता हूँ, बट या अब से ये लगने वाली है. अगेन लिंक्ड इन डिस्क्रिप्शन. अब आपने सोल तो डाल दी, लेकिन जूते में अपना पैर डालने में अगर दिक्कत होती है ना, तो उसके लिए भी एक चीज़ है. में से एक को आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा होगा, दीज आर शू हॉर्न. एंड इससे ज़्यादा ह्यूज और इससे लंबा शू हॉर्न मैंने आज तक नहीं देखा. आपने भी देखा होगा तो इतने वाला होगा. दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड आइकिया. आइकिया स्वीडन का ब्रांड है अगर आपको नहीं पता है तो. एंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे उनके पीछे प्रोडक्ट्स 2021 जैसे ही आया था. तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा सिंपल होता है. इसको आप हैंग भी कर सकते हो यहाँ पे कहीं भी किसी भी तरीके से. एंड इसको अपने जैसे ही आपने पैर डाला उसके अंदर शू इसके थ्रू आप डाल सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. के साथ ऐसा होता है ना जिनका पैर घुस नहीं रहा होता और पीछे की जो शू की लाइनिंग होती है वो भी खराब होने का डर होता है, तो उससे ये बचाएगा. एंड शू का जो पीछे स्पेशली लेदर एंड फॉर्मल शूज के लिए ये बेस्ट चीज़ रहती है. सिर्फ आपको हल्का सा अपने शू के अंदर डालना है एंड यू आर गुड टू गो. एंड ये काफ़ी सस्ता है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है. बट हाँ, अगर आपको इसे सस्ता ऑप्शन देखना है तो भी अमेजोन पर अवेलेबल है, लेकिन वो छोटे वाले होंगे. मुझे ये लंबा वाला इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि मैं खड़े होकर अगर कहीं बाई चांस कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल है. प्लस ये थोड़ा ना तलवार की फीलिंग भी दे रहा था. लास्ट आइटम अगेन शू की रिलेटेड ही है एंड एक्सेसरी है बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है आपके पास होनी चाहिए, एंड वो है शू ट्री. शू ट्री का काम आई थिंक ऑलमोस्ट सभी को पता होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कोई जूता खरीदा, वो बहुत महंगा जूता है, लेकिन उसके बाद वो पड़े पड़े उसके ऊपर और भी शूज़ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग ठोकरें खा रहे हैं एंड अलग अलग अलमारियों में जा रहा है, अलग अलग शू रैक्स में जा रहा है. उसके बाद उसकी जो शेप होती है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिखने लगती है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए ये आते हैं काम पे. शू हॉर्न का मेन काम होता है ये शू के अंदर जाता है और वहीं रहता है, उसका घर बना लेता है जब तक आपका पैर उसको उजाड़ने ना आए. वाह क्या बात बोली है. तो इनसे होगा क्या, जैसे आप इनको डालोगे ना तो आपके शू की जो फॉर्म है वो वैसे ही रहेगी. स्पेशली अगर आपके लेदर शूज़ है, क्रीजेस पड़ने के डर जो होते हैं वो इससे ख़त्म हो सकते हैं. ऑल दो अगर शू में क्रीज पड़नी होगी तो वो पड़ती ही पड़ती है. ऑल दो वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने से, फ्लैट होने से बच जाता है, उसके लिए काम आता है. इस वाले पर्टिकुलर पैकेट में 3 पेयर थे, तो एक शू में एक पेयर जाएगा, 2 पेयर जाएंगे, तो 3 शूज़ का मेरा काम हो जाएगा. बट हाँ, आई थिंक ये मेरे लिए कम है, मुझे और में इन्वेस्ट करना पड़ेगा बाद में. फिलहाल के लिए आपको दिखाने के लिए हैं. तो दिस इज अगेन अ शू ट्री. इसमें काफ़ी ज़्यादा लकड़ी के भी आते हैं, बट आई थिंक वो थोड़े भारी होंगे एंड प्लास्टिक एक ड्यूरेबल मटेरियल है, तो उसको रख के आप भूल जाओ तो भी कोई टेंशन नहीं. इसी के साथ हो जाता है हमारा हॉल कंप्लीट. एंड ये सेकंड हॉल था, तो इसको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर देना एंड डू कॉमेंट कि कौन सा आपको अच्छा लगा आइटम, जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और आप मंगवाने वाले हो. काफ़ी सारी बातें हैं जो करनी है, काफ़ी सारे व्लॉग्स हैं जो प्लान्ड हैं, लेकिन मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा. एंड मैं अभी किस स्टेट में हूँ, मैं कौन से दुनिया में हूँ, मुझे खुद नहीं पता.
उसको फिगर आउट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है एंड मैं आपसे बस थोड़ा सा वही टाइम चाहता हूँ। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंटली काम मैं कर रहा हूँ, उसकी टेंशन नहीं है। स्टिल आई डोंट नो कब तक सब कुछ ठीक होगा एंड कब मैं फुल एनर्जी में वही उसी एंथुजियाज्म से वापस आ पाऊंगा। देखो, आना तो ज़रूर है क्योंकि अब वापस नहीं मुड़ सकते क्योंकि हमने इतने आगे देख लिया। खैर, हम तो लियो कौर है, आगे बढ़ना तो हमारा काम ही है। आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश। See you guys in the next one.